Hello students, I am Sapna Marwa. Welcome to Every Education Academy online class. Today's topic, numbers up to 1000. Okay, पिछली बार में हमने study की थी numbers की, कि numbers क्या होते हैं. फिर हमने कहा था कि numbers में tens होते हैं, ones होते हैं, hundred होते हैं. तो कैसे वो हो जाते हैं, ones वाली संख्या कौन सी होती है, tens वाली digit कौन सी होती है, hundreds वाली digit कौन सी होती है. अब हम आज उसके आगे का स्टडी करेंगे. तो आगे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राइटिंग थ्री डिजिट नंबर्स. आज का जो टॉपिक है वो है राइटिंग थ्री डिजिट नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, देखिए, इन ऑर्डर टू राइट ए थ्री डिजिट नंबर वी नीड थ्री प्लेस. मतलब हमें थ्री डिजिट के नंबर बनाने के लिए थ्री जो चीज होती है उनकी जरूरत होती है, थ्री प्लेसेस की जरूरत होती है, थ्री जगह की जरूरत होती है. वो कौन कौन सी होती है, हंड्रेड्स, एच मीन्स हंड्रेड्स, टी मीन्स टेंस, एंड ओ मीन्स वंस. मीन्स हम जब थ्री डिजिट की नंबर बनाते हैं तो हमें हंड्रेड लेना होता है, टेंस लेना होता है और वंस लेना होता है. यानी वंस से स्टार्ट करते हैं, फिर टेंस पे आते हैं और फिर हंड्रेड पे आते हैं. और जब तीनों प्लेस कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारी थ्री डिजिट की जो डिजिट है, थ्री डिजिट है, वो कंप्लीट हो जाती है. देखिए कैसे हमने ये अगर बॉक्स बना रखे हैं, तो हमने कहा था कि टेंथ का हमने सीखा था, मतलब जो पिछली क्लास अपनी थी उसमें हमने सीखा था कि टेंथ कब बनता है, वंस कैसे बनता है, और जब टेंथ को टेन टेन टाइम मिला देते हैं तो हंड्रेड कैसे बनता है. यानी जैसे हमने मान लो ये है, ये बॉक्स हमने बना रखे हैं, तो ये बॉक्स 10 टाइम 10 10 मंथ्स को जोड़ के, मतलब 10 मंथ्स को 10 टाइम हमने लिखा है, 10 मंथ्स को 10 टाइम हमने लिखा है, तो 10 टाइम हमने 10 मंथ्स इसमें लिखा है, 10 10 हमने 10 टाइम इसमें लिखा है. मतलब एक 10 में 10 मंथ्स होते हैं. एक 10 में एक जो 10 होता है, वन जो 10 होता है, उसमें 10 मंथ्स होते हैं. और जो 100 होता है उसमें 10 टेंस होते हैं. हंड्रेड्स की जो संख्या होती है उसमें 10 टेंस होते हैं. तो यहाँ पे ये 10 टेंस है और यहाँ भी ये 10 टेंस है, यहाँ भी ये 10 टेंस है और यहाँ भी ये 10 टेंस है. इन दोनों को जब 10 10 10 टेंस को जब ऐड करते हैं तो ये 200 हो जाते हैं. 10 10 टेंस को जब ऐड करते हैं तो ये 200 हो जाते हैं. अब आगे हमने यहाँ पे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो 10 अंक है ना, इनको एक जगह लिख दिया है, यानी कि एक बॉक्स लिख दिया तो ये 110 हो गया. फिर ऐसे हमने आगे भी 110 कर दिए तो ये 4 टेंस हो गए, ये 4 टेंस हो गए. इसके बाद में हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद देखो ये हमने अलग अलग बॉक्स बना रखी है, अलग अलग बॉक्स मंथ्स हैं, ये अलग अलग बॉक्स जो है वो वंस के, यानी कि इनको एक जगह इकट्ठा करके नहीं लिखा है, अलग अलग लिख रखा है, इसलिए ये वंस की संख्या है. तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 7 मंथ्स है, ये 7 मंथ्स है. तो देखिए 10 10 टाइम हमने लिखा तो यहाँ पे हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 200, ठीक है. अब यहाँ पे 4 टाइम्स 10 है तो ये हो गया 4 टेंस, ये क्या हो गया 4 टेंस. अब हम इनको ऐड कर रहे हैं. अब यहाँ देखो ये वंस अलग अलग दिशा में है तो यहाँ से हो गया 7 वंस. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, हमने 10 टेंस को 10 टाइम लिख दिया तो ये 10 टेंस इसमें है और 10 टेंस इसमें है. इन दोनों को जब ऐड किया तो ये हो गया 200, ये हो गए 200. यहाँ पे 10 10 4 टाइम लिखे हुए हैं तो ये हो गए 4 टेंस, मींस ये हो गए 40, ये क्या हो गए 40. और यहाँ पे वंस अलग अलग लिखे हुए हैं तो ये कितने वंस हैं, 7 वंस हैं. कितने वंस हैं, 7 वंस हैं. अब हम इनको ऐड करके यहाँ पे लिख रखा है 200, तो ये 200 की संख्या 100 के नीचे आ गई. 4 टेंस तो 4 ये टेंस के नीचे आ गया. 7 वंस तो ये 7 ये वंस के नीचे आ गया. तो अपनी थ्री डिजिट की जो संख्या बनी वो कंप्लीट
हो गई, यहाँ पे 3 डिजिट की संख्या कंप्लीट हो गई। अंडरस्टैंड? तो आपको समझ में आ गया होगा कि 100 टेंस मंथ्स को हम कैसे एक जगह संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या बनाना सीखा, 3 डिजिट नंबर। क्या बनाना सीखा? 3 डिजिट नंबर। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी जो बुक है इसमें मैंने ये एग्जांपल्स आपको समझा दिए हैं। आगे हमें दे रखी है एक्सरसाइज फर्स्ट ए, हमने क्या दे रखी है एक्सरसाइज फर्स्ट ए। देखिए एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट नंबर्स। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया है, वैसे ही आपकी फर्स्ट ए में एक्सरसाइज में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहले एग्जांपल में आपको 3 times 100 दिए हुए हैं। कितने टाइम दिए हैं? 3 times 100 दिए हैं। 3 times ये है, 3 times ये है, 3 times ये, यानी कि 900 दिए हुए हैं। यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? 900। इसमें ऐड कर रखा है 3 times और इसमें ऐड कर रखा है 9 ones और इनको मिला के इनको एच पी ओ के नीचे सेट कर दिया है। तो आपकी 3 डिजिट नंबर यहाँ पे कंप्लीट हुई है। वैसे ही आपको ये सारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ये आपको सोल्व करने हैं। आपके पास बुक है, बुक में से आप देखिएगा और उसको सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट आप नीचे देखिए, ये आप मैंने एक आपको एग्जांपल बताया है, नेक्स्ट आप अपनी बुक से देख के इनको सोल्व करना। नीचे आपने दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर चार्ट फ्रॉम 101 to 200। मींस जो हमने काउंटिंग 100 तक सीखी, 100 के बाद में 101, 102, 103, तो हमें क्या करना है, ये मिसिंग नंबर दिए हुए हैं, हमें जो ये टेबल दी हुई है इसको 200 तक कंप्लीट करनी है। कैसे करनी है? जैसे 101, 102, फिर हमें बॉक्स खाली दिया हुआ है उसमें हमें लिखना है 103, फिर हमें दिया 104, फिर बॉक्स खाली दिया हुआ उसमें हमें लिखना 105, फिर दिया 106, उसके बाद में बॉक्स खाली है फिर लिखना 107, फिर 108, फिर लिखना 109 और उसके बाद में दिया हुआ 110। ऐसे करके हमें 200 तक ये टेबल कंप्लीट करनी है। ये सारणी पूरी 200 तक हमें कंप्लीट करनी है और ये आपको नोटबुक में भी राइट करना है। ये आपका होमवर्क भी होगा, आपको नोटबुक में राइट करना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज तो हमने कर पढ़ा